गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपने जो हमने नया चैप्टर पढ़ा था ध्वनि, उसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले वाले अभ्यास में आपने पिछले वाले वीडियो के थ्रू आपने इसकी पूरी अच्छे से पुनर्अभ्यास कर लिया होगा। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर पर ध्यान देते हैं। कविता से का पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। वैसे तो आप लोग व्याख्या के माध्यम से इसके उत्तर स्वयं भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको थोड़े से हिंट दे देती हूँ, इसकी मदद से आप अपने उत्तर लिख सकेंगे। ठीक है, तो कवि का अंत अभी नहीं होगा, उसे ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के प्रति निराश नहीं है। वह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके उपवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है। उसे युवकों को उत्साहित करने जैसे अनेक कार्य करने हैं तथा स्वयं की रचनाओं तथा कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए तथा उनकी महक बनाए रखने के लिए कवि उनका आलस्य छीन लेना चाहता है। वह उन्हें अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उनकी आँखों की जो भी बोझिलता है उसे दूर करना चाहता है। कवि उन फूलों को अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए अपने स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरना चाहता है, जिससे चुस्त सजग तथा महक बिखेरते हुए पुष्पित पल्लवित हो सकें। वह उनको वसंत के मनोहर प्रभाव का संदेश देना चाहता है। ऐसा करते हुए कवि चाहता है कि फूल खिलकर वसंत के सौंदर्य को और भी अधिक मनोहारी बना दें। ठीक है, अब आगे कविता से आगे का प्रश्न देखिए, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। ऋतुराज का मतलब होता है ऋतुओं का राजा। आपस में चर्चा करनी है, आपने आपस में डिबेट करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि भारतवर्ष में क्रमशः आने वाली 6 ऋतुओं में से 5 के अपने गुण तो हैं, पर उनकी हानियाँ तथा नकारात्मक प्रभाव भी हैं। वसंत ऋतु में न वर्षा ऋतु जैसा कीचड़ होता है, न ग्रीष्म ऋतु जैसी तपन, उमस और पसीने की बदबू भी नहीं होती। इसी प्रकार न तो ठंड की तरह मतलब शिशिर ऋतु की तरह ठंडक होती है, न हेमंत ऋतु की हड्डी कपा देने वाली सर्दी और चारों ओर पाले की मार भी नहीं होती। ठीक, वसंत ऋतु में सर्दी गर्मी समान होने से मौसम अत्यंत सुहावना होता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्ते कोपले फूल खिलते हैं, है ना, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इस ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। इसमें आपको लिखना होगा, मैं इसमें आने वाले जो त्यौहार होते हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। वसंत ऋतु का समय फागुन चैत बैसाख का होता है, मतलब अगर अंग्रेजी के महीनों में कहें तो मार्च और अप्रैल का होता है। इसकी अवधि लगभग 2 माह की होती है। तो इस ऋतु में जो जो त्यौहार आते हैं उनके नाम हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, बैसाखी और होली। इनमें से किसी एक के ऊपर आप निबंध लिख लेंगे। ठीक है, अब ये तीसरा आपका प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें विभिन्न ऋतुओं के बारे में बताएंगे कि विभिन्न ऋतुएं साल के विभिन्न महीनों में बारी बारी आती हैं और अपनी सुंदरता बिखेर जाती हैं। ठीक है, तो मुख्य ऋतुएं और उनके प्रभाव को अगर हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु, इसमें पसीने से सराबोर करने वाली इस ऋतु में हम सूती तथा हल्के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। हमारे खाने पीने के पदार्थों में तरावट पहुंचाने वाली वस्तुएं जैसे लस्सी, सिकंजी, छाछ, शीतल पेय पदार्थ आदि की मात्रा बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु, इस ऋतु में चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, वातावरण में नमी बढ़ जाती है, रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। शीत ऋतु, हड्डियां कपा देने वाली इस ऋतु में हम ऊनी कपड़े, कोट, शॉल, स्वेटर का प्रयोग करते हैं। चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध तथा गर्माहट पहुंचाने वाली वस्तुओं का अधिक प्रयोग करते हैं। फिर चौथी और आखिरी होती है हमारी वसंत ऋतु, इसे सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में न अधिक सर्दी होती है न गर्मी, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सबसे अच्छी ऋतु है। चारों ओर फैली प्राकृतिक सुषमा इसमें मनोरम लगती है और यही सब देख करके हमारा मन अनायास ही प्रसन्न हो उठता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 3 प्रश्न नीचे के और 3 ऊपर के, इन 6 प्रश्नों को आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक पर लिखना है। ठीक है, इसके आगे के प्रश्न उत्तर आप उसे पढ़कर करने की कोशिश करेंगे और अगर कोई परेशानी हुई तो हम अगले वीडियो में उसके माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है।